हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाईएसआर एकेडमी। माय सेल्फ प्रवीण, और आज हम लोग ज्योग्राफी का जो फिफ्थ चैप्टर है सेकेंडरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज, उसके बारे में पढ़ने वाले। ठीक है, ऑलरेडी हमारे फोर चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं। उसके बाद जो फिफ्थ चैप्टर है जिसका नाम है सेकेंडरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज, उसके बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले जो चैप्टर था उसमें हम लोगों ने प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज के बारे में पढ़ा था, एग्रीकल्चर, फिशिंग, हंटिंग, गैदरिंग वगैरह वगैरह। ठीक है, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि ऐसी एक्टिविटीज, ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटीज या फिर ऐसे बिजनेसेस जो डायरेक्टली डिपेंडेंट होते हैं नेचर पे, उनको बोला जाता है प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज। और इस लेसन में हम लोग पढ़ने वाले सेकेंडरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज, जिसमें हम पढ़ेंगे कि प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज से जो भी प्रोडक्ट मिलता है, उस प्रोडक्ट का थोड़ा सा प्रोसेसिंग करके, उसके ऊपर थोड़ा सा प्रोसेसिंग करके, उसके ऊपर थोड़ा सा वैल्यू एडिशन करके एक नया प्रोडक्ट बनाया जाता है, फिनिश प्रोडक्ट बनाया जाता है जिसको मार्केट में बेचा जाता है। तो ये फिनिश प्रोडक्ट बनाने का जो प्रोसेस है वही सेकेंडरी एक्टिविटीज में आता है। बेसिकली एक सिंपल वर्ड में बताऊं तो सेकेंडरी एक्टिविटीज का मीनिंग होता है कि इंडस्ट्रीज, सिंपल इंडस्ट्रीज एंड फैक्ट्रीज। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। लेसन का नाम है सेकेंडरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज। स्टार्टिंग में ही आपको बड़ा सा एक इमेजेस दिए बहुत सारे, ठीक है, बड़ा सा डबड़ा दिया है, उसमें इमेजेस दिए अलग अलग, जैसे कि ए बी सी डी ई एफ जी एच, ऐसे 7-8 इमेजेस है। ठीक है, सो इस इमेजेस में अलग अलग इंडस्ट्रीज के बारे में दिखाया है, और आपको बाजू में और एक डबड़ा दिया है जिसमें दिखाया है कि फिगर ए बी सी डी जो भी है यहाँ पे, उसमें कौन सा एक्टिविटी दिखाया गया है, नेम ऑफ द एक्टिविटी, उसके बाद रॉ मटेरियल्स कौन से यूज किए हैं, फिनिश प्रोडक्ट्स कौन से ऑप्टेन होते हैं उससे, और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रॉ मटेरियल्स, उसमें मतलब जो भी रॉ मटेरियल यूज होता है उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, वेट क्या होगा, उसका ड्यूरेबिलिटी क्या होगा, मतलब कितने दिन तक, कितने महीने तक वो टिक सकता है, वो प्रोक्योरमेंट कैसे होता है, कॉस्ट प्राइस कैसे होता है। उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिनिश प्रोडक्ट्स, मतलब उस रॉ मटेरियल से जो भी फिनिश प्रोडक्ट बनेगा उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे, जैसे कि उसका वेट क्या होगा, उसका ड्यूरेबिलिटी क्या होगा, उसका कॉस्ट प्राइस क्या होगा वगैरह वगैरह। ठीक है, एक एक दो एग्जांपल लेता हूं मैं, बाकी आप आराम से कर सकते हो। ठीक है, वैसे सिंपल है। सपोज करो एक हम एग्जांपल लेते हैं ये, ठीक है, ज्वेलरी मेकिंग का। ठीक है, अभी ज्वेलरी मेकिंग का जो नंबर है, फिगर का नंबर है वो बी है। ठीक है, तो नेम ऑफ द एक्टिविटी ज्वेलरी मेकिंग हो सकता है, सिंपल। ठीक है, उसके बाद रॉ मटेरियल, उसके लिए क्या क्या लगेंगे, सबसे पहला रॉ मटेरियल लगेगा कि मेटल। ज्वेलरी के लिए सपोज गोल्ड का ज्वेलरी बना रहा है तो गोल्ड लगेगा, गोल्ड कहाँ से आएगा, माइनिंग से आएगा। माइनिंग क्या है, प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है, सो प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटी से प्रोडक्ट कौन सा मिलता है, गोल्ड। उस गोल्ड को जो प्रोडक्ट मिला उसी का हम लोग यूज करेंगे सेकेंडरी इकोनॉमिक एक्टिविटी में। सिंपल यहाँ पे एक चार्ट बनाता हूँ मैं। सपोज करो गोल्ड, गोल्ड कहाँ से आया, प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटी में से। ठीक है, सो प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज में से गोल्ड निकला, वही प्रोडक्ट का हम लोग यूज करेंगे आगे उसका क्या बनाने में, ज्वेलरी बनाने। ज्वेलरी बन के फाइनली वो जो प्रोडक्ट बनेगा उसका जो भी बनेगा ऑर्नामेंट वगैरह, ठीक है, सपोज गोल्ड की चेन बन रही है, गोल्ड की अंगूठी बन रही है, सपोज गोल्ड की अंगूठी बन रही है, मतलब प्रोडक्ट क्या है, रिंग, गोल्ड रिंग, तो फाइनल प्रोडक्ट, फिनिश प्रोडक्ट ये हो जाएगा। ठीक है, तो उसको मार्केट में बेचा जा सकता है। सो इस गोल्ड पे जो भी प्रोसेसिंग करके उसका रिंग में कन्वर्ट किया गया, फाइनल प्रोडक्ट में, फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया गया, वही सेकेंडरी इकोनॉमिक एक्टिविटी में आता है। सो फिनिश प्रोडक्ट ऑब्टेन रिंग, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा रिंग। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द रॉ मटेरियल, सबसे पहले रॉ मटेरियल का कैरेक्टरिस्टिक क्या रहेगा, उसका वेट थोड़ा सा रिंग के लिए सिंपल थोड़ा सा ही रहेगा, सपोज 10-15 ग्राम का। ठीक है, उसके बाद ड्यूरेबिलिटी बहुत ज्यादा रहेगा, ओके, जब तक ये टूट फूट नहीं जाता तब तक वो टिक सकता है, सालों साल तक टिक सकता है। प्रोक्योरमेंट कैसा रहेगा, डायरेक्टली जो माइनिंग बिजनेस करते हैं उनसे प्रोक्योर कर सकते हैं, या फिर डायरेक्टली मार्केट में भी गोल्ड मिलता है, गोल्ड के बिस्किट्स वगैरह मिलता है, या फिर गोल्ड बल्क में बेचा जाता है, तो उससे आएगा। कॉस्ट प्राइस कम ही रहेगा क्योंकि अभी वो बिजनेस करने वाले क्या करते हैं, कम पैसे में लेते हैं और ज्यादा पैसे में बेचते हैं, सिंपल वो फंडा होता है बिजनेस का। उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिनिश प्रोडक्ट, फिनिश प्रोडक्ट जैसे रिंग, रिंग का कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, वो लाइट वेट हो सकता है थोड़ा सा। ठीक है, उसके बाद ड्यूरेबिलिटी उतना ही रहेगा जितना सोने का रहेगा, मतलब गोल्ड का रहेगा। प्रोडक्शन उसका क्या, सिंपल प्रोसेसिंग किया रहेगा या फिर उसमें थोड़ा सा मेकिंग किया रहेगा, थोड़ा बहुत काम किया रहेगा उसके ऊपर। सेलिंग प्राइस हाई रहेगा तभी उस बेचारे को फायदा होगा, वरना नुकसान हो जाएगा। सो सिंपल कॉस्ट प्राइस, मतलब जिस प्राइस में वो रॉ मटेरियल खरीदते हैं और जिस प्राइस में वो बेचते हैं फिनिश प्रोडक्ट, उसको सेलिंग प्राइस बोला जाता है। तो दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो पॉजिटिव में होना चाहिए तभी उसको प्रॉफिट होगा। जैसे कि सपोज करो उसने 10 रुपए में खरीदा और 20 रुपए में बेच रहा है, तो 10 रुपए का उसका फायदा है ऐसे। ठीक, और एक एग्जांपल लेते हैं सिंपल सा। सपोज करो ये वुल का इंडस्ट्री है, एफ का। ठीक है, वुल का इंडस्ट्री मतलब सपोज करो टेक्सटाइल इंडस्ट्री। ठीक है, अभी इसका रॉ मटेरियल क्या रहेगा, वुलन फैब्रिक, मतलब स्पेशली वुल, मतलब जो शिप की स्किन होती है, स्किन के ऊपर जो बाल आते हैं उसको बेचारे को टकला कर देते हैं पूरे की तरीके से, पूरा
बाल छीन लेते बेचारे का, ठीक है, और उसका वो वुल ही रॉ मटेरियल हो जाएगा, वुल इंडस्ट्री का, टेक्सटाइल इंडस्ट्री का वुल रॉ मटेरियल हो जाएगा, वुलन इंडस्ट्री का, और उससे फिनिश प्रोडक्ट क्या बनेगा, वुल के स्वेटर्स बन सकते हैं, वुल का चादर बन सकता है, या फिर बाकी के जो भी गारमेंट्स रहेंगे, ओके क्लोथ्स रहेंगे वो बन सकते हैं। उसके बाद उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे रॉ मटेरियल की, कि वो लाइट वेट रहेगा, उसका ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा रहेगा, उसका कॉस्ट प्राइस कम रहेगा। फिनिश प्रोडक्ट मतलब स्वेटर बनाएंगे तो उसका वेट थोड़ा सा बढ़ सकता है, ठीक है, उसके बाद उसके प्रोडक्शन में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, सेलिंग प्राइस हाई होगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। सो इस तरीके से हर सेकेंडरी एक्टिविटी के बारे में इधर दिखाया है, आप आराम से घर पे बैठ के ये चार्ट कंप्लीट कर सकते हो फ्री टाइम में, ओके। सो आई होप आपको क्लियर होगा कि सेकेंडरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज का बेसिक कंसेप्ट क्या है, ठीक है। देन यहाँ पे जो भी एक्सप्लेनेशन दिए है वो मैप बाद में देखेंगे हम लोग, सपोज सबसे पहले तो हम लोग एक्सप्लेनेशन देखते हैं जो प्राइमरी एक्टिविटीज होती है, ठीक है, जैसे कि सपोज करो एग्रीकल्चर हो गया, हंटिंग हो गया, गैदरिंग हो गया, जितने भी हम लोगों ने लास्ट लेसन में देखा है एक्टिविटीज, प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज वो कैसे होते हैं, डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन द नेचर, ठीक है। जैसे सिंपल एग्जांपल लेते हैं एग्रीकल्चर, ठीक है, एग्रीकल्चर एक प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटी क्योंकि वो डायरेक्टली नेचर पर डिपेंडेंट है, हम लोग सॉइल का यूज करते हैं, वाटर का यूज करते हैं, वगैरह वगैरह, ठीक है। अभी सपोज हम लोग शुगर केन का खेती कर रहे हैं, ठीक है, ये पूरा चार्ट समझाने के लिए कैसे प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज और सेकेंडरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज कनेक्टेड है उसको इस चार्ट से आपको अच्छे से समझ जाएगा। एग्रीकल्चर में सपोज करो हम लोग शुगर केन का खेती कर रहे हैं तो उसका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, फाइनली शुगर केन का खेती करने के बाद आराम से कुछ महीने बाद वो पूरी तरीके से उग के रेडी हो जाएगा, तो हमारा प्रोडक्ट क्या है, शुगर केन, शुगर केन, ठीक है। अभी वही जो प्रोडक्ट मिला है खेती से, मतलब प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटी से जो प्रोडक्ट मिला है शुगर केन, उसी को यूटिलाइज करते हैं, मतलब उसके ऊपर या तो प्रोसेसिंग करेंगे या फिर उसके ऊपर थोड़ा वैल्यू एडिशन करेंगे और हमको फाइनल प्रोडक्ट मिल जाएगा, दैट इज शुगर, ठीक है। शुगर केन को फैक्ट्री में ले जाया जाता है, उसका रस निकाला जाता है, थोड़े केमिकल्स ऐड किए जाते हैं, फिर उसको छोटे छोटे क्रिस्टल्स में कन्वर्ट किया जाता है और फाइनली हमारा प्रोडक्ट बनेगा शुगर। तो प्रोसेसिंग वाला जो हिस्सा है वो इंडस्ट्री में होता है, मतलब वो सेकेंडरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज है, जिसका बेस प्रोडक्ट क्या है, शुगर केन, ठीक है। प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज से जो भी प्रोडक्ट निकला उसी पे प्रोसेसिंग करके जो नया प्रोडक्ट बनाया जाता है वही सेकेंडरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज का फंडा है, ओके। आई होप इतना क्लियर होगा आप लोगों को। उसके बाद एक छोटा सा मैप दिया सोलापुर डिस्ट्रिक्ट का, महाराष्ट्र में एक छोटा सा सोलापुर डिस्ट्रिक्ट है जिसमें बहुत सारे शुगर मिल्स है, शुगर मिल्स के ये छोटे छोटे ऐसे डबड़े दिए हैं यहाँ पे, ठीक है। तो सपोज करो एक यहाँ पे एक फार्मर शामराव करके फार्मर है जो ए पॉइंट पे बैठा है, ठीक है, या फिर रहता है, उसका शुगर केन का खेती है, तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स क्या रहेंगे अपने शुगर केन को बेचने के लिए, तो उसके नजदीक होना चाहिए कोई भी शुगर मिल की फैक्ट्री। तो सपोज करो इसके लिए नजदीक यहाँ पे तो लग रहा है कि ये टाकली सिकंदर, सपोज ये थोड़ा सा ब्लर है, टाकली करके छोटा सा एरिया ये भी नजदीक होगा, या फिर ये पिंपल नेर करके छोटा सा एरिया ये भी नजदीक होगा, मतलब एक तो जहां पे भी आपका शुगर केन का खेती हो रहा है वहीं उसी उसी शुगर केन के खेती के आसपास ही जो शुगर मिल होगा वहां पे आपको बेचना पड़ेगा, जिससे कि आपको कॉस्ट इफेक्टिवनेस दिखेगा, ठीक है, मतलब फायदा ज्यादा हो सकता है। अगर ज्यादा ट्रांसपोर्टेशन करना पड़ा, अभी ये बेचारा रहता है इधर है, उधर इसको इधर तक आना पड़ा तो बहुत ज्यादा डिस्टेंस हो जाएगा, उसको परवड़ेगा नहीं, सिंपल सी बात, ठीक है। सो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी इंडस्ट्रीज कैसे लोकेटेड है, ठीक है, आगे हम लोग और डिटेल में देखेंगे। अभी लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री जो रहता है, ठीक है, वो अलग अलग फैक्टर्स पे डिपेंड होता है। सबसे पहला रॉ मटेरियल अवेलेबल होना चाहिए, जो भी इंडस्ट्री रहेगा उसका रॉ मटेरियल आजू बाजू में अवेलेबल होना चाहिए, और सेकेंड ट्रांसपोर्टेशन भी इजी होना चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन भी इजी होना चाहिए, ठीक है। जैसे सिंपल एग्जांपल शुगर इंडस्ट्री, शुगर इंडस्ट्री जो इंडस्ट्री होती है इसमें रॉ मटेरियल क्या होता है, शुगर केन, सिंपल सी बात है, ठीक है। सो सपोज शुगर केन जो खेती है, शुगर केन की खेती, वहां से लेके शुगर मिल तक ट्रांसपोर्टेशन इजीली होना चाहिए, ठीक है, बहुत नजदीक होना चाहिए, जिससे कि दोनों को फायदा पहुंचे, फार्मर को भी और शुगर मिल्स वालों को, ठीक है। तो शुगर मिल्स या फिर शुगर इंडस्ट्रीज कहाँ पे लोकेटेड होगी, जहां पे आजू बाजू में शुगर केन का खेती रहेगा, मतलब नजदीक रहेगा फैक्ट्री के नजदीक, जहां पे शुगर केन का खेती रहेगा वहां पे जल्दी शुगर केन का अवेलेबिलिटी हो सकता है और जल्दी से उसके ऊपर प्रोसेसिंग होके शुगर बन सकता है और मार्केट में बेचा जा सकता है, ठीक है।
शुगर इंडस्ट्री एक एग्जाम्पल है, ताकि वो ऐसी इंडस्ट्रीज कहाँ पे लोकेटेड होंगी जहाँ पे रॉ मटेरियल बहुत ज़्यादा अवेलेबल होगा। क्यों? उसका भी रीज़न है, शुगर केन नॉर्मली बल्की होता है, मतलब उसका वजन ज़्यादा होता है, ट्रक्स में भर भर के ले जाना पड़ता है, ठीक है। अगर शुगर केन का फार्म, सपोज शुगर केन का एक छोटा सा फार्म है, वहाँ से लेके शुगर केन का जो मिल है वहाँ का रास्ता बहुत ज़्यादा है, तो फिर ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इसीलिए। और सेकेंड चीज़, थोड़ा सा मतलब बाकी के फैक्टर्स पे भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा, इसलिए क्या किया जाता है, शुगर केन का जो इंडस्ट्री रहेगा, मिल रहेगा या फिर जो इंडस्ट्री रहेगा, वो शुगर केन के खेती के आसपास ही क्या किया जाता है, बनाया जाता है, सिंपल, ठीक है। क्योंकि वो बल्की रहता है, उसको ट्रांसपोर्ट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है उसके बाद, या फिर कॉस्ट इफेक्टिव नहीं होता। बेकरी का एग्जाम्पल दिए, बेकरी का सपोज एक नॉर्मल कुछ रॉ मटेरियल रखता है केक बनाने के लिए, सपोज एक प्रोडक्ट है केक, ठीक है, उसको बनाने के लिए कुछ रॉ मटेरियल लगेगा, उसका जो भी पाव रहेगा, क्रीम रहेगा, जो भी रहेगा, ठीक है। तो इसका प्रोडक्ट क्या है, केक, केक एक प्रोडक्ट है, और रॉ मटेरियल क्या है, जो भी रहेगा, क्रीम वगैरह, पाव वगैरह, जो भी रहेगा, वो है लाइट, मतलब बल्कि नहीं है। इसका रॉ मटेरियल, शुगर का रॉ मटेरियल बहुत बल्की था शुगर के, लेकिन यहाँ पे केक का रॉ मटेरियल क्या है, बल्की नहीं है, बल्की नहीं मतलब लाइट है, और केक बल्की है, ठीक है। तो फिर यहाँ पे क्या किया जाता है, पूरे के पूरे रॉ मटेरियल को उठाया जाता है, मतलब पूरी दुकान को उठाया जाता है और मार्केट के नज़दीक लाया जाता है, मतलब जहाँ पे भी मार्केट रहेगा वहाँ पे ही ये केक का दुकान रहेगा या फिर बेकरी का इंडस्ट्री रहेगा, क्योंकि फाइनल प्रोडक्ट बल्कि है, रॉ मटेरियल बल्कि नहीं है। तो जो भी बल्कि नहीं है उसको उठा के डायरेक्टली एक शॉप में डाला जाता है, और वो शॉप को मार्केट के पास रखा जाता है, जैसे कि वहीं पे रॉ मटेरियल का यूज़ करके फटाफट केक बना के फटाफट बेचा जाए, ठीक है। सो इस तरीके से जिसका रॉ मटेरियल बल्कि होगा, उस रॉ मटेरियल के आसपास ही फैक्ट्रीज होंगी, जिसका रॉ मटेरियल लाइट होगा उसी को मार्केट के पास, उस इंडस्ट्री को मार्केट के पास रखा जाता है, जैसे कि फटाफट वो प्रोडक्ट बना के फटाफट बेचा जाए, ठीक है। आई होप इतना क्लियर होगा आप लोगों को। उसके बाद दो टाइप की इंडस्ट्रीज होती है, एक होता है वेट लूजिंग इंडस्ट्री, सेकंड होता है वेट गेनिंग इंडस्ट्री, ठीक है। वेट गेनिंग इंडस्ट्री, वेट लूजिंग मतलब क्या, वेयर द रॉ मटेरियल्स आर रिलेटिवली बल्की, मतलब ऐसी इंडस्ट्री जहाँ पे रॉ मटेरियल्स बल्की होते हैं, जैसे शुगर केन इंडस्ट्री, सिंपल, शुगर केन रॉ मटेरियल है और वो बल्की होता है, सो उस इंडस्ट्री को वेट लूजिंग इंडस्ट्री बोला जाता है, ठीक है। क्योंकि शुगर केन पहले बल्की होता है और उसके बाद शुगर बनने के बाद वो लाइट बन जाता है, हल्का बन जाता है, सिंपल, ठीक है। शुगर केन के कंपैरिजन में थोड़ा सा हल्का बन जाता है। सो ये क्या होगा, वेट लूज करेगा खुद का, वेट लूज करेगा। सो शुगर लाइट बनेगा, तो उस इंडस्ट्री को वेट लूजिंग इंडस्ट्री ऐसा बोला जाता है, ओके। आई होप इतना क्लियर है। उसके बाद वेट गेनिंग इंडस्ट्री मतलब क्या, जिसका रॉ मटेरियल बहुत, सपोज ये आर एम मतलब रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल लाइट है और प्रोडक्ट बल्की है, प्रोडक्ट बल्की है, जैसे कि केक का एग्जांपल लिया था हम लोगों ने, तो प्रोडक्ट अगर बल्की बन रहा है मतलब वो वेट गेन कर रहा है, रॉ मटेरियल से प्रोडक्ट बनने तक का जो उसका सफर है वो वेट गेन कर रहा है, तो उसको वेट गेनिंग इंडस्ट्री ऐसा बोला जाता है। ओके, आई होप इतना क्लियर होगा सबको। उसके बाद कुछ फिजिकल फैक्टर्स है जिसके बारे में बताया है, ठीक है। फिजिकल फैक्टर्स जिसके ऊपर किसी भी इंडस्ट्री का लोकेशन डिपेंड करता है, ठीक है। मतलब सपोज करो कहीं पे भी अगर हमको इंडस्ट्री बनाना हो, ठीक है, इस्टेब्लिश करना हो इंडस्ट्री किसी भी एरिया में, तो वहाँ के कुछ फिजिकल फैक्टर्स ध्यान में रखने पड़ते हैं। सबसे पहला फैक्टर क्या है, क्लाइमेट, ठीक है। क्लाइमेट में सबसे पहली चीज क्या है कि टू हार्श क्लाइमेट इज नॉट सुटेबल, ठीक है। बहुत ज्यादा हार्श का क्लाइमेट सुटेबल नहीं होता, ठीक है। टू कोल्ड क्लाइमेट, जैसे कि एक्सट्रीम क्लाइमेट सुटेबल नहीं होता, बेसिकली बहुत ज्यादा गर्म रहेगा, बहुत ज्यादा ठंडा रहेगा, तो ऐसे क्लाइमेट में इंडस्ट्रीज नहीं बन सकती। जैसे बहुत ज्यादा गर्म का एग्जाम्पल राजस्थान है, बहुत ज्यादा ठंडी का एग्जाम्पल कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश है, तो ऐसे एरिया में इंडस्ट्रीज वगैरह बनाना सूट नहीं करता, या फिर वहां पे बनाया नहीं जा सकता, ठीक है। जैसे कि एक्सट्रीमली हॉट, ह्यूमिड, ड्राई या फिर कोल्ड क्लाइमेट में ये सब पॉसिबल नहीं है। उसके बाद इंडस्ट्रीज बनाने के लिए कैसा क्लाइमेट चाहिए, मॉडरेट क्लाइमेट चाहिए, मॉडरेट मीडियम लेवल का क्लाइमेट चाहिए, जहाँ पे
आजू बाजू में अगर कोस्टल एरिया रहा तो बेस्ट होता है, कोस्टल एरिया में मॉडरेट क्लाइमेट रहता है, या फिर रिवर बैंक पे भी मॉडरेट क्लाइमेट रहता है। तो ऐसे एरियाज में हम लोग क्या कर सकते हैं, इंडस्ट्रीज बना सकते हैं, लेकिन रिवर बैंक पे बनाना नहीं चाहिए क्योंकि उसका उसके ऊपर इफेक्ट पड़ता है एनवायरमेंटली, बहुत ज़्यादा केमिकल्स वगैरह रिलीज कर सकते हैं जिससे रिवर का कल्याण हो सकता है, इसलिए कोस्टल एरिया इज द बेस्ट एरिया। उसके बाद कुछ प्लेन एरिया चाहिए, एक तो मॉडरेट क्लाइमेट चाहिए, ठीक है, उसके बाद और क्या चाहिए, प्लेन एरिया चाहिए, प्लेन एरिया में आराम से इंडस्ट्रीज एस्टेब्लिश कर सकते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम लोग क्या ले सकते हैं, महाराष्ट्र और गुजरात, ठीक है, अपना जो महाराष्ट्र और गुजरात का कोस्टल एरिया है, जैसे मुंबई वगैरह, मुंबई ठाणे का जो इलाका है वहाँ पे इंडस्ट्रीज बहुत ज़्यादा है, कोस्टल एरिया ऑफ गुजरात, वहाँ पे जो कोस्टल एरिया है गुजरात का, जैसे कि कांडला पोर्ट है वगैरह वगैरह, और थोड़ा बहुत एकदम किनारे वाला जो पार्ट है वहाँ पे इंडस्ट्रीज ज़्यादा है, ठीक है। उसके बाद सेकंड जो फैक्टर है, एक हो गया फर्स्ट फैक्टर क्लाइमेट, सेकंड जो फैक्टर है दैट इज रॉ मटेरियल, ठीक है, इसके ऊपर भी बहुत कुछ डिपेंड करता है। जो भी रॉ मटेरियल्स यूज किए जाते हैं वो कहाँ से आते हैं, या तो फॉरेस्ट से आएंगे, या तो माइनिंग से आएंगे, या तो एग्रीकल्चर से आएंगे, या फिर जो भी बाकी के इंडस्ट्रीज है, फिशरीज से आएंगे, ठीक है। सो यहाँ से सारे रॉ मटेरियल्स आ सकते हैं, मतलब और भी बहुत सारे इंडस्ट्रीज हैं, और भी बहुत सारी जगह है जहाँ से रॉ मटेरियल आ सकता है। रॉ मटेरियल भी डिपेंड होता है, जैसे कि मैंने शुगर का बोला, शुगर इंडस्ट्री वहीं पे लोकेटेड होगी जहाँ पे आजू बाजू में शुगर केन का खेती होता होगा, ठीक है। फिशिंग इंडस्ट्री, फिशिंग का मार्केट वहीं पे लोकेटेड होगा जहाँ पे आजू बाजू में फिशिंग का सप्लाई, फिशेस का सप्लाई ज़्यादा होता होगा, ठीक है। फॉरेस्ट से माइनिंग, माइनिंग का भी एक इम्पोर्टेंट है, वो आगे भी देखेंगे हम लोग, ठीक है। सपोज करो कि कोई इंडस्ट्री के लिए कोल की ज़रूरत है, ठीक है, फ्यूल एज अ फ्यूल, तो कोल की जरूरत है, तो उस इंडस्ट्री को कोल माइन जहाँ पे है उसके आजू बाजू में लोकेटेड होना जरूरी है ताकि उसको सप्लाई इजीली हो सके, सिंपल, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट फैक्टर जो है वाटर एंड पावर सप्लाई, वाटर एंड पावर सप्लाई, ओके। सो वाटर सप्लाई कुछ इंडस्ट्रीज के लिए लगता है, जैसे कि कूलिंग के लिए लगता है कि इंडस्ट्रीज में अलग अलग मेटल्स का कूलिंग हो गया, ठीक है, बॉयलर, बहुत सारे थर्मल पावर प्लांट्स होते हैं, थर्मल पावर फैक्ट्रीज जहाँ पे वो बॉइलिंग के लिए वाटर लगता है, ठीक है, वॉशिंग के लिए बहुत सारे मेटल्स का वॉशिंग वगैरह, या फिर कुछ चीज़ों का वॉशिंग करने के लिए वाटर लगता है। सो इन सब चीज़ों के लिए इंडस्ट्री में वाटर की ज़रूरत होती है। सेकंड पावर सप्लाई मतलब इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, सिंपल सी बात है, तो पावर सप्लाई या तो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई और पावर सप्लाई एक ही है, उसके लिए कुछ चीज़ें ज़रूरी है एज अ फ्यूल, ठीक है। फ्यूल क्या क्या हो सकता है, एक तो कोल हो सकता है, तो सिंपल सी बात है, सपोज करो एक एक जगह पे, यहाँ पे सपोज इंडस्ट्री है और यहाँ पे कोल का सप्लाई, यहाँ पे कोल का माइन है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक तो ट्रांसपोर्टेशन बहुत ज़्यादा महंगा पड़ेगा, इसलिए ये इंडस्ट्री डायरेक्टली यहाँ से उठाया जाएगा और यहाँ पे आजू बाजू में लोकेट किया जाएगा, ठीक है। इस तरीके से इंडस्ट्रीज का लोकेशन डिसाइड होता है, ओके। सो थर्ड हो गया वाटर एंड पावर सप्लाई, ठीक है। उसके बाद लेबर, लेबर एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इसमें भी स्किल्ड लेबर होनी चाहिए, कहीं कहीं पे स्किल्ड जिनको अच्छी खासी स्किल्स आती है इंडस्ट्रीज को चलाने के लिए। सेकंड सेमी स्किल्ड्स भी चलेंगी, ठीक है, सेमी स्किल्ड वर्कर्स। थर्ड हाई लेवल के वर्कर्स भी चलेंगे, ठीक है, एजुकेटेड भी वर्कर्स चलेंगे, स्पेशली इंडस्ट्रीज इन दोनों पे ही चलते हैं, स्किल्ड और सेमी स्किल्ड, ठीक है। जैसे कौन कौन सी इंडस्ट्रीज में, अलग अलग इंडस्ट्रीज में लगेंगे, जैसे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री जहाँ पे फूड पे प्रोसेस किया जाता है, जैसे अचार बनाने का इंडस्ट्री हो गया, जाम बनाने का इंडस्ट्री हो गया, ठीक है,
जो फ्रूट्स के ऊपर प्रोसेसिंग करके बनाया जाता है, ठीक है, केचप बनाने का इंडस्ट्री वगैरह वगैरह। उसके बाद ऑर्नामेंट मेकिंग इंडस्ट्रीज वगैरह वगैरह, उनको स्किल्ड थोड़े से ऑर्नामेंट मेकिंग मतलब जो ज्वेलरी का डिज़ाइन वगैरह बनाने के लिए थोड़े से स्किल्ड वर्कर्स की ज़रूरत होती है। सो लेबर भी होना चाहिए, ठीक है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है कहीं पे भी इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए, जहाँ पे अच्छा लेबर अवेलेबल होगा उसी एरिया में इंडस्ट्री सेटअप किया जाता है, या फिर जहाँ पे इंडस्ट्री सेटअप किया जा रहा है वहाँ पे लेबर का इनफ्लो ज़्यादा होना चाहिए, मतलब लेबर वहाँ तक आनी चाहिए ऐसा, ठीक है। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन, ये तो सिंपल सी बात है, ट्रांसपोर्टेशन भी हो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ट्रांसपोर्टेशन एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है जिसकी वजह से जितना कम ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट होगा उतना ज़्यादा वो प्रॉफिट हो सकता है। तो हमेशा ट्राई किया जाता है कि अगर रॉ मटेरियल एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाना है, एक जगह से इंडस्ट्री तक या फिर उस फैक्ट्री तक ले जाया जाना है, या फिर फैक्ट्री से मार्केट तक फिनिश प्रोडक्ट को ले जाना है, तो ट्रांसपोर्टेशन का जो कॉस्ट है वो कम होना चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन ईजी होना चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन फास्ट होना चाहिए, इन सब चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। सो ये सारे फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है, ओके। उसके बाद और एक है साइट और द अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड, लैंड भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ठीक है, लैंड अवेलेबिलिटी, ठीक है। लैंड भी कैसा होना चाहिए, जो प्लेन एरिया हो, प्लेन एरिया होगा, लार्ज एरिया होना चाहिए, ठीक है, और वो नियर द रॉ मटेरियल या फिर मार्केट होगा तो सबसे बेस्ट है, ठीक है। तो इस तरीके से लैंड अवेलेबिलिटी भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ओके। उसके बाद इकोनॉमिक फैक्टर्स है, कुछ दो दो तीन इकोनॉमिक फैक्टर्स है, उसको भी देख लेते हैं और लेक्चर आज का एंड कर देते हैं। ठीक है, सबसे पहले इकोनॉमिक फैक्टर, प्रॉक्सिमिटी टू द मार्केट, मतलब मार्केट से नजदीक होना चाहिए, ओके। सो ये जो प्रॉक्सिमिटी टू द मार्केट होता है मतलब नियर टू द मार्केट, ठीक है। कुछ बहुत सारे इंडस्ट्रीज का फायदा तभी होता है जब वो मार्केट से नजदीक हो, ठीक है। जैसे कुछ इंडस्ट्रीज होती है जैसे पेरिशेबल प्रोडक्ट वाली इंडस्ट्रीज, ठीक है। पेरिशेबल प्रोडक्ट वाली इंडस्ट्रीज का मतलब क्या होता है, जैसे कि सपोज फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, ठीक है, ऐसे जो प्रोडक्ट्स है वो मार्केट के नज़दीक ही उनका इंडस्ट्री लगाया जाता है, ठीक है। उसके बाद सपोज करो हम लोगों ने पहले भी देखा था बेकरी का इंडस्ट्री, बेकरी का इंडस्ट्री सिंपल सी बात है, फाइनल प्रोडक्ट क्या है बेकरी का, केक वगैरह है जो कि बल्की होते हैं, वो अगर एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने लगे, मतलब अगर सपोज कि बेकरी यहाँ पे है और मार्केट यहाँ पे है, तो यहाँ से वहाँ तक जाने के लिए बहुत खर्चा हो जाएगा, इसलिए क्या किया जाता है, बेकरी यहाँ पे है तो इस बेकरी को डायरेक्टली शिफ्ट किया जाएगा मार्केट के नज़दीक, ठीक है। तो मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में मार्केट के आसपास या फिर मार्केट में ही बेकरी के शॉप्स या फिर बेकरी का इंडस्ट्री देखने को मिलेगा आपको, ठीक है, क्योंकि प्रोडक्ट बल्कि है तो ट्रांसपोर्टेशन कम से कम होना चाहिए, ऐसा ध्यान रखा जाता है, ठीक है। सो प्रॉक्सिमिटी टू द मार्केट ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है, मार्केट के नज़दीक अगर आपका इंडस्ट्री होगा तो जल्दी से जल्दी आप ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हो, ट्रांसपोर्टेशन करोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी कंज्यूमर्स तक, लोगों तक वो प्रोडक्ट पहुंचेगा और लोगों को बहुत चीप रेट पे वो प्रोडक्ट मिलेगा, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा खरीदेंगे और आपका फायदा होगा, ओके। सो इस तरीके से इंडस्ट्री में ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, ठीक है, जो फिजिकल फैक्टर है। उसके बाद आते हैं इकोनॉमिक फैक्टर्स पे, इकोनॉमिक फैक्टर्स के दो ही फैक्टर्स है। सबसे पहला जो फैक्टर इकोनॉमिक फैक्टर्स मतलब यहाँ पे पैसे का सिस्टम आ जाएगा, पैसे के हिसाब से देखा जाएगा। सबसे पहले सॉरी हम लोगों ने इकोनॉमिक फैक्टर्स स्टार्ट कर दिया है, ओके। लैंड लास्ट फिजिकल फैक्टर था, इकोनॉमिक फैक्टर फर्स्ट हम लोगों ने देख लिया, प्रॉक्सिमिटी टू द मार्केट, मार्केट का डायरेक्टली कनेक्शन है पैसे के साथ, ठीक है, इनकम के साथ, इसलिए ये इकोनॉमिक फैक्टर में आ जाएगा, ओके। सेकेंड है कैपिटल, कैपिटल का मतलब होता है सिंपल पैसा, ठीक है, इन्वेस्टमेंट, जो भी इन्वेस्टमेंट या फिर पैसा रहेगा जो हम लोग इंडस्ट्री में लगा रहे हैं उसको कैपिटल बोलेंगे, और कैपिटल के ऊपर ही सब कुछ डिपेंड होता है कोई भी इंडस्ट्री स्टार्ट करने से पहले, ठीक है, मतलब वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फैक्टर इज कैपिटल, इकोनॉमिक फैक्टर, ठीक है। कैपिटल मतलब सिंपल मनी या फिर इन्वेस्टमेंट, ठीक है। सो नॉर्मली
कैपिटल वहीं पे आता है, मतलब लोग कहीं वहीं पे इन्वेस्ट करते हैं, उसी इंडस्ट्रीज में लोग लोकेशन बनाते हैं या फिर उसी इंडस्ट्रीज में इन्वेस्टमेंट होता है कैपिटल का, जहाँ पे जो इंडस्ट्रीज ऐसी सिटीज में रहें जहाँ पे एक तो बैंकिंग फैसिलिटीज है और सेकंड फाइनेंशियल फैसिलिटीज है, मतलब लोन वगैरह लेने के लिए अलग अलग इंस्टीट्यूशंस है, ठीक है। सो ऐसे कुछ सिटीज़ है जैसे मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, गुजरात में जैसे कांडला वगैरह हो गया, ठीक है, दिल्ली वगैरह हो गया, ऐसे कुछ सिटीज़ है जहाँ पे इंडस्ट्री ज़्यादा से ज़्यादा लोकेटेड है। उसका रीज़न वहाँ पे बैंकिंग फैसिलिटीज़ है, फाइनेंशियल फैसिलिटीज़ है, अच्छे अलग अलग फैक्टर्स अच्छे से प्रोवाइड हो जाते हैं, जैसे लैंड हो गया, उसके बाद रॉ मटेरियल हो गया वगैरह वगैरह, जिसकी वजह से वहाँ पे ज़्यादातर इंडस्ट्रीज़ डेवलप हुई है और वहाँ पे कैपिटल का फ्लो भी ज़्यादा है, वहाँ पे मार्केट का भी एक्सेस है वगैरह वगैरह। सो इन सारी चीज़ों की वजह से इंडस्ट्रीज वहाँ पे लोकेटेड है, ठीक है। सो इस तरीके से आज के लेक्चर में हम लोगों ने क्या देखा कि सेकेंडरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के साथ क्या कनेक्शन है वो देखा, उसके बाद सेकेंडरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के कुछ एग्जाम्पल्स देखे, उसके बाद हम लोग ने दो तीन फैक्टर्स देखे, सबसे पहला फिजिकल फैक्टर्स देखे, ठीक है, उसके बाद इकोनॉमिक फैक्टर्स देखे, ठीक है। अगले लेक्चर में पॉलिटिकल फैक्टर्स, अदर फैक्टर्स वगैरह, आगे का जो भी रह गया है इस लेसन का वो कंप्लीट हो जाएगा। ओके, सो मिलते हैं अगले लेक्चर में, थैंक यू सो मच।